गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कक्षा 9 विषय हिंदी गद्य घट पे हम लोग हैं। अध्याय 2 पर मंथ कहानी है। आइए मुंशी प्रेमचंद का जीवन परिचय देखें। मंथ को लिखने वाले मुंशी प्रेमचंद जी हैं। सबसे पहले उनके जीवन परिचय पे हम देखते हैं। मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म जो है 13 जुलाई सन 1880 ईस्वी में है। जन्मस्थल है लंबी ग्राम वाराणसी। माता आनंदी देवी, परिवर्तन करके एक नए युग का सूत्रपात किया। परिणाम स्वरूप कलम के इस सिपाही तथा जनता के दुख दर्द के गायक और दुख दर्द के गायक को भारतीय साहित्य जगत में जगत ने उपन्यास सम्राट की उपाधि से अलंकृत किया। जीवन परिचय में इनका कथा एवं उपन्यास के क्षेत्र में पाठकों को मंत्रमुग्ध कर देने वाले प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 ईस्वी में वाराणसी के लमही ग्राम में हुआ था। एक छोटे से गांव के कथास परिवार में हुआ था। इनकी माता का नाम आनंदी देवी तथा पिता का नाम अजय राय था। मुंशी प्रेमचंद जी का बचपन प्राय अभाव में ही बीता। इनके बचपन का नाम धनपत राय था। मुंशी प्रेमचंद जी जब छोटे थे तभी इनकी माता का देहांत हो गई। कैंडिडेट में असफल होने के कारण उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। प्रेमचंद की चंद्र जी का विवाह विद्यार्थी जीवन में ही हो चुका था। पत्नी अनुकूल न होने के कारण अपने दूसरे विवाह उन्होंने दूसरा विवाह शिव रानी देवी से के साथ कर लिया। साहित्य जगत में मुंशी प्रेमचंद के नाम से जाने गए। इस प्रकार से मुंशी प्रेमचंद जी अपने अभावग्रस्त जीवन को दैनिक जीवन को जिया और अल्प आयु में ही इनकी 8 अक्टूबर सन 1936 ईस्वी में मृत्यु हो गई। आइए हमारे प्यारे बच्चों, हम लोग मंत्र कहानी को जानें। एक ऐसी कहानी है जो एक तरफ अमीरी को दिखा रहा है और एक तरफ गरीबी को दिखा रहा है। डॉक्टर चड्ढा जो थे उस शहर के माने जाने रईसों में से थे और वहीं पे एक भगत बूढ़ा भगत की कहानी है जो कि उसके पास खाने तक भी कुछ नहीं है। उसका कोई भी बच्चा जीवित नहीं रहता है। सबसे छोटा सातवां बच्चा जो था वो 5-6 साल का था। वो उसकी तबीयत खराब हो जाती है और वो क्या करता है अपने कंधे पे लाद करके डॉक्टर साहब के यहाँ दवा कराने के लिए पहुँचता है। जैसे ही डॉक्टर साहब के यहाँ पहुँचता है डॉक्टर के बेंच पे लुटाते हुए बच्चे को और देखता है कि डॉक्टर साहब क्या कर रहे हैं अपने दरवाजे को बंद कर रहे हैं और गाड़ी निकाल रहे हैं खेलने जाने के लिए। वो डॉक्टर साहब को रुकते हुए हाथ विनम्रता से जोड़ते हुए कहता है कि डॉक्टर साहब एक नजर मेरे बच्चे को देख लीजिए। अपनी पगड़ी को उतार कर उनकी चौखट पर रख देता और कहता है कि डॉक्टर हुजूर एक बार मेरे बच्चे को देख लीजिए क्योंकि ये मेरा सातवां बच्चा है। कोई बच्चा जीवित नहीं है। एक बार आपके देखने से शायद ही बच जाएगा। लेकिन डॉक्टर साहब उस बच्चे को पलट के भी नहीं देखते हैं और अपनी गाड़ी निकालते हैं और कहते हैं कि मेरा खेलने का समय हो गया है और वो गोल्फ खेलने के लिए गाड़ी में बैठकर गाड़ी से चले जाते हैं। मोटर चले गए लेकिन बूढ़ा कई मिनट तक मूर्ति की भांति निश्चल खड़ा रहा। संसार में ऐसे मनुष्य भी होते हैं जो अपने आमोद प्रमोद के आगे किसी
किसी की जान की भी परवाह नहीं करते हैं। शायद इसका उसे अब भी विश्वास न आता था कि सब संसार इतना निर्मम, इतना कठोर और इतना मनभेदी अनुभव अब तक न हुआ था। वह उन पुराने जमाने के जीवों में से था जो लगी हुई आग को बुझाने, मुर्दे को कंधा देने, किसी के छप्पर को उठाने और किसी के कला को शांत करने में सदैव तैयार रहते थे। जब तक बूढ़े को मोटर दिखाई दी, वह खड़ा होकर टकटकी लगाए उसकी ओर देखता रहा। शायद उसे अभी डॉक्टर साहब के लौट आने का आशा था। फिर भी उसने अपने बच्चे को कंधे पे लादा, लेकिन डॉक्टर साहब नहीं आए और अपने बच्चे को कंधे पे लादा और फिर क्या किया, वो अपने घर की तरफ लौट आया और सोचने लगा कि डॉक्टर साहब की तो बड़ी तारीफ हुई थी, लेकिन आज मुझे क्या मिला, निराशा मिला। डॉक्टर साहब नहीं देखे और निराश होकर के बूढ़ा व्यक्ति जो है अपने बच्चे को लेकर वापस घर चला आता है। उसी रात को उसका हंसता खेलता 7 साल का बालक अपनी बाल लीला समाप्त करके इस संसार से सिधार गया। बूढ़े माँ बाप के जीवन का यही आधार था, इसी का मुंह देखकर वे जीते थे। इस दीपक के बुझते ही जीवन अंधेरी रात भय भय करने लगे, यानी एकदम सन्नाटा छा गया उन लोगों के जीवन में। बूढ़े की विशाल ममता टूट गई, हृदय से निकल कर वो अंधकार के आवर्त स्वर में रोने लगे। कोई उनके आगे पीछे नहीं था। कई साल गुजर गए, डॉक्टर चड्डा ने खूब यश और धन कमाया, लेकिन इसके साथ ही अपने स्वास्थ्य की भी बहुत देखभाल की। लेकिन समय का खेल ऐसा था, डॉक्टर साहब 50-55 साल वर्ष के हुए तब भी तरोताजा जवान दिखते थे। उनके पुत्र का नाम कैलाश था। कैलाश का जन्मदिन मनाने के लिए बड़े बड़े रईसों को न्योता दिए थे और अपने उत्सव में शामिल किए थे। मध्य रात्रि का समय था, बूढ़ा बूढ़ी अपने कुटिया में झोपड़ी में सोए हुए थे। लोगों का चहल पहल सुन के बूढ़ी औरत ने पूछा, अजय जानते हैं ये कैसा चहल पहल है मध्य रात्रि में? बूढ़े ने दरवाजा खोला कि बाहर पता किया तो पता चला कि डॉक्टर चड्डा साहब के लड़के का जन्मदिन है। यह सुन करके वो फिर वापस दरवाजा बंद करके आता है और बूढ़े से बताता है कि डॉक्टर चड्डा साहब के लड़के का जन्मदिन है, तो व्यक्ति लोग जो है आ जा रहा है, खाने को भोजन तो बुलाए गए थे, लोग वही लोग खा के वापस लौट रहे हैं, वही चीज है। बूढ़ी औरत कहती है कि समय देखिए, डॉक्टर चड्डा एक दिन हम उनके बच्चे को देखे तक नहीं थे और आज उनके लड़के का जन्मदिन मनाया जा रहा है। दुखी होकर सोच के फिर सोते हैं सब। जैसे ही भोर का समय आता है बहुत ज्यादा चहल पहल फिर सुनाई देता है। बूढ़ी कहती है अब कैसा चहल पहल है? बाहर निकल के बूढ़ा पता करता है तो पता चलता है कि डॉक्टर चड्डा साहब के लड़के को सांप काट लिया है और वो मर गया है। क्योंकि सांप उसने काटा था कि उतनी रात को जब सारे प्रोग्राम हो गए थे तो लड़के ने एक लड़की से प्यार करता था जिसका नाम मृणाली है, या मृणाली हम लिखे थे। मृणाली यदि वो विवश कर देती है उसे सांप नचाने के लिए, कैलाश बहुत बढ़िया सांप नचाता था, उस सांप को नचाने की कला को देखने के लिए रात्रि में जिद करती है और वो लेकर आता है सांप को, और सांप जैसे ही पिटारे से खोल के नचाना शुरू करता है तो कुछ लोग उसमें से कहते हैं इसके जहरीले दांत जो है निकाल दिए गए हैं। यह सुनकर कैलाश को गुस्सा आता है और वो क्या करता है, सांप के गले को, गर्दन को दबा के और मुंह को खोल के दिखलाता है कि देखिए इसके दांत को नहीं तोड़ा गया है, इसमें भी जहरीले दांत हैं। इतना करने के बाद जैसे ही सांप को छोड़ता है, सांप क्रोधित हो जाता है कि कभी आज तक उसको ऐसे नहीं पकड़ा गया था और आज उसके गर्दन को क्यों पकड़ा जा रहा है, इसलिए वो क्रोधित होकर कैलाश के अंगूठे को काट लेता है। और जैसे ही अंगूठे को काटता है पूरे शरीर में उसके जहर फैलने लगता है और धीरे धीरे करके कैलाश जो होता है बेहोश हो जाता है और कुछ ही क्षणों में उसके प्राण जो होते हैं ऐसे लगता है कि वो मर गया। सभी हाहाकार शहर में मच गया कि डॉक्टर चड्डा का इतना धन दौलत है, संपत्ति है, लेकिन आज उसके जो पुत्र है, उसका पुत्र है वो मर गया। कौन देखेगा, कौन सुनेगा, इतना धन जायदाद है, एक ही इकलौता पुत्र था, आज वो भी नहीं रहा। यह सुन करके बूढ़ा बात करते व्यक्ति जाते हैं, बूढ़ा पूछता है, पता चलता है डॉक्टर चड्डा के लड़के की मृत्यु हो गई है और सांप
के काटने से। बूढ़ा जो था भगत, जिसको कहते हैं यहाँ देखिए हम लिखे हैं बूढ़ा, जिनको भगत कहा जाता था, भगत जब ये सुनते हैं तो मंत्र जानने की, जो सांप के काटने की मंत्र जानते थे झाड़ने वाले, यह सुनकर के वो बूढ़ा क्या अंदर आके बूढ़ा से बता गोली से बताते हैं कि ऐसी ऐसी बात है, डॉक्टर चड्ढा साहब के लड़के को सांप काट लिया। बूढ़ी औरत मना करती है कि भगत जी आप झाड़ने मत जाइए। बूढ़ा कहता है ठीक है हम जाएंगे नहीं, लेकिन जैसे ही बूढ़ी सोती है वो धीरे से दरवाजा खोल के बूढ़ा डॉक्टर चड्ढा के यहाँ जाता है और भीड़ कुछ हटाते हुए डॉक्टर चड्ढा के लड़के को झाड़ता है। जैसे ही झाड़ता है तो लड़का क्या बहुत झाड़ने वाले झाड़े रहते हैं लेकिन ठीक नहीं हुआ रहता है। जैसे ही भगत जी उस बच्चे को झाड़ना शुरू करते हैं बच्चा जीवित हो उठता है और उसके बाद धीरे से पैर दबाते हुए वहां से वो क्या करता है भगत जी वहां से निकल आते हैं अपने घर की तरफ। सभी लोग पूछते हैं अरे कौन ऐसे महान व्यक्ति ने जीवित किया, सब बताते हैं। जैसे ही डॉक्टर साहब को पता चलता है कि बूढ़ा व्यक्ति उनको झाड़ के ठीक किया वो लगते हैं खुलवाने, लेकिन वहां से बूढ़ा घर को निकल आते हैं। जब घर चले आते हैं आई घर तो डॉक्टर साहब को कुछ समय बाद याद आता है, बताते हैं कि फला व्यक्ति था आया था झाड़ के चला गया। तो डॉक्टर साहब को याद आया कि अरे एक शाम के समय में एक बूढ़ा व्यक्ति अपने 5-6 साल के बच्चे को लेकर दवा कराने के लिए आया था और मैंने उसके बच्चे को एक नजर तक देखा नहीं था, आज वही बूढ़ा व्यक्ति जो है हमारे बच्चे को जीवित कर दिया। तो हमारे प्यारे बच्चों जीवन में ऐसी ऐसी घटनाएं होती हैं कि इंसान जो होता है अपने समय को भूल जाता है। तो हमारे प्यारे बच्चों हम उम्मीद करते हैं कि इसका मंत्र कहानी से आपको बहुत सीख मिली होगी। आप भी अपने जीवन में दूसरों का सहयोग करना सीखिएगा, उस बूढ़े भगत से सीख लीजिएगा कि यदि इंसान धोखा भी दे चाहे कष्ट भी दे फिर भी आप उसके लिए भलाई की बातें ही सोचा करें। तो हमारे प्यारे बच्चों ये रहा मंत्र कहानी, मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा हुआ था। अगले वीडियो में हम लोग अगले पार्ट पे चलेंगे।